यहां पे आप देखते हैं, इफ चार्ज इज इन मोशन, इफ चार्ज इज इन मोशन, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट क्या है, एम्पेयर, समझिए, इसको डिनोट करते हैं आई लेटर से, आई लेटर से इसको बोलते हैं डीक्यू डीटी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं, बात समझ गए। मान लिया हमारे पास सबसे छोटा सर्किट लेते हैं, किसी सर्किट में सबसे छोटा सर्किट लेंगे तो एक रेसिस्टर होगा, इंस्टेंटेनियस करंट वाला नहीं, अभी बात करते हैं, ये हो गया रेसिस्टर, ये हो गया हमारे पास सेल यानी बैटरी, और ये हो गया हमारे पास क्या, मान लिया एक बल्ब ले लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, अकेले एक सेल है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सेल है, और ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाता है, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, ये क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा, और अकेले है तो सेल कहलाएगा, ये कहला रहा है रेसिस्टर, ऐसे बना हुआ तो ये क्या है, रेसिस्टर है, रेसिस्टर का क्या काम है, इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट, ये करेंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है, और ये हमारा क्या है, बल्ब है, ये हमारा क्या है, कोई बल्ब है, इसमें एक स्विच भी लगा सकते हैं, मान लिया ये स्विच है, स्विच अगर क्लोज है तो कुछ नहीं होगा, स्विच अगर ओपन हो गई, ये ओपन है तो कुछ नहीं होगा, अब क्लोज कर दिए तो सर्किट पूरा हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो यहां एक टर्म है जिसको समझना जरूरी है, और वो है पोटेंशियल, पोटेंशियल किसको कहते हैं, तो पोटेंशियल जो है वो एक कॉज है, ये एक कॉज है, और करंट उसका इफेक्ट है, करंट जो है क्या है, ये उसका इफेक्ट है, यानी करंट होने के पीछे जो 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 काम कर रहा है फैक्टर, वो है पोटेंशियल। जैसे पानी जो फ्लो करता है, हाइट डिफरेंस होगा तभी पानी फ्लो करेगा, यानी डेल्टा एच, यानी हाइट में डिफरेंस हो, हाइट डिफरेंस तो क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा, वाटर फ्लो। टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो क्या फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा, हीट फ्लो। उसी तरह से डेल्टा वी यानी पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब क्या फ्लो करेगा, तब करंट फ्लो करेगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के पीछे क्या लॉजिक है, पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। कॉपी कीजिए इसको।